नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। पूरे देश के साथ रीवा में भी कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर तैयारियां हुई तेज। एसपी कलेक्टर ने किया निरीक्षण। संजय गांधी अस्पताल का नजारा आज बदला हुआ था। कोरोना वायरस मरीज आगे आगे था, एसपी कलेक्टर पीछे पीछे थे। मौके का किया निरीक्षण, उचित दिए दिशा निर्देश। कोरोना मरीज आगे आगे, एसपी कलेक्टर पीछे पीछे। पूरे देश के साथ रीवा में भी कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चौथी मंजिल को एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण काल के लिए तैयार किया जा रहा है। केंद्र और प्रदेश की सरकार यह मानकर चल रही है, अगर कोरोना वायरस से मरीज बढ़ते हैं तो उनको किस तरीके से शिफ्ट करना है, कहाँ रखना है, जो भी जरूरतें हैं वो किस तरीके से पूरी करनी है, तमाम इंतजाम को देखने परखने के लिए रीवा जिला प्रशासन ने आज अचानक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें एक मरीज को तैयार किया गया कोरोना संक्रमित बताकर। सबसे पहले उसको एम्बुलेंस से संजय गांधी अस्पताल भेजा गया, अस्पताल के अगले गेट से नहीं, पीछे वाले गेट से, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण काल में अस्पताल में मरीजों को भेजने के लिए संजय गांधी अस्पताल के पीछे का गेट इस्तेमाल किया जाता था। इस बार भी कुछ ऐसी ही तैयारी, जिसके चलते आगे आगे कोरोना वायरस से मरीज, पीछे पीछे एसपी कलेक्टर पहुंचे। उन्होंने संजय गांधी अस्पताल में चौथी मंजिल में जाकर सभी चीजों को देखा, जो भी कमियां थी उनको तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिया। यही नहीं, ऑक्सीजन की कमी को देखने के लिए ऑक्सीजन प्लांट के पास एसपी भी पहुंचे, हर चीज का बारीकी से निरीक्षण किया, सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अगर कोई संकट आता है तो हमें किस तरीके से उससे निपटना, सभी जरूरी एहतियात मॉक ड्रिल के माध्यम से देखने के बाद कलेक्टर रीवा काफी संतुष्ट नजर आए। हमारी टीम ने कलेक्टर रीवा से बात की, उनका साफ तौर से कहना था, पूरे देश के साथ आज हमने रीवा में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया, फिलहाल हमारे यहाँ सभी चीजें उपलब्ध हैं, जो भी कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने के दौरान लगती हैं, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे ऑक्सीजन हो या किसी भी तरीके की वेंटिलेटर हो, जो भी चाहिए हमारे पास सारी तैयारी मुकम्मल है। अगर कोई संकट आया भी तो हम उससे बेहतर तरीके से निपटते हैं। हालांकि पिछले बार भी संजय गांधी अस्पताल अपने कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान मरीजों को बेहतर तरीके से टैकल कर रहा था, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी संकट देखने में नजर नहीं आया था, जिसके चलते काफी दूर दूर से लोग, या यूं कहें इंदौर भोपाल से भी पेशेंट रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती हो गए। माना जा सकता है रीवा का संजय गांधी अस्पताल पिछले बार जिस तरीके से कोरोना वायरस संक्रमण काल से निपटने में कामयाब हुआ था, अगर इस बार भी कुछ ये स्थिति आई तो हालात को बेहतर तरीके से काबू पा लेगा। फिलहाल अभी साफ तौर से ये माना जा रहा है कि कोरोना के बढ़ने के कोई बहुत आसार नहीं है, अगर बढ़ा उस दौरान हमें किस तरीके से एहतियात बरतना है, इसकी तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली। आज देश भर में सभी जगह कोरोना को लेकर के मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें हम लोगों ने भी जिला अस्पताल का और संजय गांधी हॉस्पिटल में जो कोरोना की व्यवस्थाएं हैं उसकी समीक्षा की है। सभी चीज़ें सुचारू रूप से कर दिया गया है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, जो ऑक्सीजन एडेड बेड्स हैं उनकी पूरी अवेलेबिलिटी है, और जिस तरह की व्यवस्थाएं बनानी चाहिए वो सही बन रही है। लोगों से अपील ये है कि आप कहीं भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाएँ तो सावधानी रखें, और कोई भी अगर इस तरह के सिम्टम वाले लोग दिखते हैं तो उनका इलाज ज़रूर करें। अभी किसी भी तरह के कोई घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी रीवा ज़िले में कोई भी कोरोना का मरीज नहीं है, लेकिन एहतियातन ये व्यवस्थाएं देखी जा रही है ताकि अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती हो तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। मॉक ड्रिल ही की गई है सभी जगह। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।